हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर और उनके भागों को किनके द्वारा बनाया गया है? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आज आपको बताएंगे 10 कंप्यूटर के भागों के बारे में और उनको किनके द्वारा बनाया गया है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। नंबर 10, दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा 1973 में किया गया था। नंबर 9, दोस्तों आप लोग कंप्यूटर चलाते समय टाइपिंग तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस कीबोर्ड पर आप टाइपिंग कर रहे हैं उसका आविष्कार किसने किया है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ कि कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा 1 जुलाई 1764 में किया गया था। नंबर 8, जिस तरह आप लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आप लोग माउस का इस्तेमाल पॉइंटिंग और ड्रैगिंग के लिए ज़रूर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउस का आविष्कार किसने किया? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट द्वारा 1968 में किया गया था। नंबर 7, दोस्तों कंप्यूटर चलाते वक्त जो भी कार्य हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पर ही दिखाई देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉनिटर का आविष्कार किसने किया है? मॉनिटर का आविष्कार 1 मार्च 1973 को कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन द्वारा किया गया था। नंबर 6, दोस्तों सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसको किसने बनाया? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, इसको फेडरिको फैगिन ने 1971 में बनाया था। नंबर 5, दोस्तों रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या आप जानते हैं कि रैम का उपयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि रैम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रैम का आविष्कार सन 1968 में रॉबर्ट डेनार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नंबर 4, दोस्तों कंप्यूटर का एक और महत्वपूर्ण भाग यानी कि प्रिंटर, जिसके द्वारा हम कोई भी परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटर का आविष्कार सन 1968 में जोहनस गटनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नंबर 3, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल कैमरे का उपयोग कितना अधिक हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरे का आविष्कार सन 1888 में जोहन जहन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नंबर 2, दोस्तों आजकल गणना करना कितना आसान हो गया है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर उपलब्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है? कैलकुलेटर का आविष्कार बेलिस पास्कल ने 1642 में किया था। नंबर 1, दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया में छाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला इंटरनेट किसके द्वारा बनाया गया था? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला इंटरनेट बॉब कहन एंड विंट सर्फ नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम अर्पानेट था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।